अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, यह सबको दिख रहा है और यह हमें भी दिखा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है, चाहे वो ये अच्छी सड़कें हो, चाहे ये अस्पताल हो, चाहे आपके लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, वो हम आपको करके दे देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये दो दिन में हो जाएगा, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, समय लगेगा, मगर हमारी नीयत साफ है और हम आपको करके दिखा देंगे। पीने के पानी की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की, सच्ची सरकार की। अब भैया ये तो आपको मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, महंगाई की मोदी जी से बात कीजिए, बेरोजगारी की मोदी जी से बात कीजिए। अच्छा, यात्रा हमने शुरू क्यों की? क्योंकि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, जैसे मैंने आपको कहा माइक ऑफ कर देते हैं, और देश में ये डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, कोविड के समय इन्होंने जो काम किया, ये सब जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, इनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं ये लोग। इनका लक्ष्य 3-4 अरबपतियों की मदद करने का है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इन्हीं सड़कों पे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मुझे किसी ने बताया कि अगर आज हिंदुस्तान में आप मैदा, गुड़ ऐसी चीजें बेचो, तो अगर आप 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो तो जीएसटी माफ हो जाती है। अब आप सोचिए, जो छोटा व्यापारी है, जो 25 किलो से कम बेच रहा है, उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जो अरबपति है, जो 25 किलो से ज्यादा हजारों लाखों किलो बेच रहा है, उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ये पॉलिसियां नहीं है,